Good morning good morning. good morning. good morning. Good morning. Good morning. morning very, very happy. Good morning. Very good morning to everyone. Good, good morning, morning ma'am. Good morning. Good morning, morning ma'am. Very nice. There's lots of patakas or something going on outside. I think our chat puja ka main yeah. day. Shah, Yeah. The people are doing all that puja. खूब खूब पूरी रात पटाखों की आवाज आ रही थी आई उस बाइंडिंग की दिवाली पूरी रात दिवाली चल रही थी उस उसकी कसर निकाल रहे <laughs> हा हाँ, 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 <laughs> तब तो बंद थे ना रिस्ट्रिक्टेड थे पटाखे हाँ तो नहीं, 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 वो 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 बंद ही होते हैं, बट ऐसा ही चलता है शायद हाँ, होता है स्टॉक फिनिश करते हैं स्टॉक फिनिश कर रहे हैं, स्टॉक क्लियरेंस चल रही है हमारा लोकराज जैसा ही है हाँ yes. ये तो है <laughs> जी ओके सो वी आर ऑन टू डे ट्वेंटी द हार्ट मैजिक सो डेट एंड डे ट्वेंटी नवम्बर ट्वेंटी चैप्टर सो आज का चैप्टर थोड़ा मेडिटेटिव है इसमें हम अपने हार्ट एंड माइंड का कोहेरेंस करना सीखेंगे मतलब कहते हैं ना वो दिमाग और दिल के तार जोड़ेंगे स दिल का मतलब होता है सबकॉन्शियस माइंड जब जब भी हम हार्ट की बात करते हैं उसका कॉनिटेशन होता है दैट वी आर टेकिंग आर ड्रीम द सेकेंड डे जब हमको ड्रीम लिस्ट उठानी होगी अपने हाथ में जो भी हमने बनाई थी और फिर उसको हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको सीमेंट करेंगे ताकि वो बहुत जल्दी आ जाए और बहुत अच्छा अच्छा आफ्टर मेडिटेशन की तरह इसको करना होता है और वैसे भी हार्ट की पावर ब्रेन की पावर से कहीं ज्यादा होती है ब्रेन की पावर से तो मतलब आ, आप एक मिनट में एक मतलब वो थाउजेंड वॉट था। का बल्ब जला सकते हो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं लेकिन जो हार्ट की पावर होती है ब्रेन ओके सो वी आर यूजिंग दैट पावर टूडे टू सीमेंट आर ड्रीम्स इन टू आर सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल वी कैन जस्ट डू दिस एवरी डे मतलब अगर अगर ड्रीम से बहुत प्यार है और बहुत जल्दी हम उसको हकीकत में बदलता हुआ देखना चाहते हैं तो हमको ये प्रैक्टिस रोज करनी चाहिए बहुत लंबी होती नहीं है छोटी सी प्रैक्टिस है ये बट मजा आता है ये करने में सो लेट मी ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन एंड मी टू कैन रीड इट फॉर द हार्ट मैजिक Magic. Uh, yeah, मतलब अगर, uh, कोई नॉइज नहीं हो ब्रेन में बिकॉज कॉन्शियस uh, से होके सब कॉन्शियस तक आता है हमेशा हमेशा कोई भी इंफॉर्मेशन तो अगर ब्रेन में कुछ भी चल रहा है जैसे कुछ वारी चल रही है कुछ चिंता टाइप चल रही है um, there's some noise going on कि मेरा ये काम हुआ नहीं है अभी तक मुझे ये भी करना है या मुझे ऐसे ऐसे होना है मुझे anxiety हो रही है then the subconscious का मतलब heart does not open to receiving the information so वो वैसे कर पाना तो मतलब वो बिल्कुल enlightened stage होती है जब you know outside world does not affect us at all you know ये वो वाली stage होगी फिर की कहानी yeah. <laughs> आ, ये वो, yeah. वो, वो yeah. वाली स्टेज होती है की जैसे लोग उसको मार रहे थे पिटाई कर रहे थे डंडी से मार रहे थे चाकू लेके आ गए थे मारने के लिए पत्थर फेंक रहे थे उसके ऊपर वो फिर भी उनको ब्लेस कर रहा था कि गॉड ब्लेस यू क्योंकि वो बुद्ध लॉर्ड बुद्धा का री था तो उसको पता था कि ये लोग सफर कर रहे हैं इसलिए मुझे इतनी ज्यादा सफरिंग कर रहे हैं तो ये उनको बोल रहा था कि नहीं तुम लोग भी बहुत जल्दी एनलाइटन हो जाओ तुम्हारा सब कल्याण हो जाए सो so, वो वाली स्टेज होती है ये तो वो स्टेज बहुत आराम से आती नहीं है हमारी हमारा हार्ट इज नॉट वेरी ओपन टू रिसीविंग एनीथिंग Uh, हाँ अच्छे इमोशंस में होते हैं सो the yeah, so, इस इमेज में हम uh, देखते हैं एक पेड़ बना हुआ है उसके ऊपर हार्ट है और उसमें खूब सारा ग्रेटिट्यूड है दिस पेड़ बेसिकली सिग्निफाइज आवर बॉडी ओके ये हमारा शरीर है और ये हमारा दिल है और ये फाइव एलिमेंट्स के साथ और सारे जो प्लैनेट्स हैं उनके बीच में ये बना हुआ है बिकॉज दैट्स वॉट द पावर ऑफ द यूनिवर्स वी आर द यूनिवर्स आर सेल्स हम अंश नहीं होते हैं इस ब्रह्मांड का हम एक ब्रह्मांड है अपने आप में वी आर द यूनिवर्स एज अ होल द सेम पावर दैट द यूनिवर्स हैज वी हैव ओके बट वी आर यूजिंग ओनली अबाउट से यू नो फोर परसेंट ऑफ दैट नाउ so स्लोली जैसे जैसे हम अपने हार्ट और ब्रेन का कोहेरेंस करेंगे वैसे वैसे हमारी पावर भी धीरे धीरे बढ़ेगी तो ये सेमी मेडिटेटिव प्रैक्टिस है हम इसको पढ़ते मजेदार है हाँ जी मीतू गुड मॉर्निंग डे ट्वेंटी हार्ट मैजिक कोट ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ heart unquote Jean Baptiste Massieu, French Revolution activist. You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel it as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. The heart magic practice is designed to powerfully increase the depth that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart. As you say and feel the magic words, thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice. The first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it. And each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. To practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It does not matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier. And while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, Thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. There are several things you can do to help. You get heart magic down really quickly. You can put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words, thank you. Or you can imagine that the magic words, thank you, are coming out of your heart rather than your mind as you say them. As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice. Heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud. And when you get to the end of reading each one, close your eyes. Focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you. Slowly. Again, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you're able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use heart magic anytime. You say the magic words, thank you. Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it is all about the depth of the feeling. Because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with tears or you may get goosebumps, but without exception, you will begin to feel a depth of peace. And happiness you have never felt before. Magic practice number 20 Heart Magic. Point number one count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point number two. Focus your mind and your attention on the area around your heart. Point number three, close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, Thank you. Point number four, take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire, then closing your eyes, focusing your mind on the area around your heart, and slowly saying thank you again.

और अगर उसमें से भी ऑलरेडी हो चुका है तो लेट अस नो सो इट इज़ द मेमोरी ऑफ द हार्ट सो अगर कॉन्स्टेंटली हम थैंक यू के जोन में रहते हैं तो थैंक यू का फीलिंग बहुत पावरफुल होती है जैसे इट सेज दैट अगर आप सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, यू अगर आप नॉन स्टॉप बोल रहे हो ठीक है आफ्टर अवाइल यू विल सी दैट आपकी हार्ट बीट मतलब लोगों ने ईसीजी करके देखे हैं

इसकी वजह से बॉडी में हॉर्मोनल बैलेंस होने लग जाता है यू नो लाइक जो शुगर पेशेंट्स है उनमें देखा है कि उन वो इंसुलिन इनसेंसिटिव होने लग जाते हैं जो जा अभी तक इंसुलिन इनसेंसिटिव थे बट देन इट टू बी कैरीड ऑन डेली बेसिस लाइक अ रिचुअल इट इज नॉट दैट बस एक बार किया और खत्म हो गया बट बहुत ज्यादा बॉडी में माइंड हार्ट कोहेरेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है तो माइंड हार्ट कोहेरेंस की बातें बहुत डॉक्टर जो करते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि मतलब होते तो सिर्फ फोर्टी मतलब एक्चुअली तो ऑलमोस्ट एटी बिलियन नर्व्स होती है जो ब्रेन में होती है बट उसमें से हार्ट में सिर्फ फोर्टी थाउजेंड होती है

Uh, किसी एक यंग बॉय का जो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हुई थी तो वो खूब बेयर पीता था खूब चिकन खाता था और ये जो जिसको लगा था हार्ट ये एक डांसर थी ठीक है तो और बिल्कुल कभी शी वॉज नॉट अ मीट इटर एट ऑल शी वॉज अ वेजिटेरियन एंड डांसर थी कभी इन्होंने मतलब ऐसे अल्कोहल की डिजायर इनको ऐसे हुई नहीं थी और जैसे इनका हार्ट लगा नया ठीक है उसके बाद सनली कहती है कि मुझे फ्राइज खाने हैं uh, मुझे ग्रिल चिकन खाने का मन कर रहा है दैट मीन्स कि देखो मेमोरी थी ना हार्ट में एंड नाउ शी इज बिकमिंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसका हार्ट लगा था सो हार्ट कैरीज हार्ट सबकॉन्शियस माइंड कैरीज अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग द स्ट्रेंथ द पावर ऑफ अ हार्ट टू आंसर आर ड्रीम्स है ना तो हम हाँ, उसके पहले ऑफ कोर्स इसमें लिखा हुआ है कि जो अंदर की दुनिया है अंदर की दुनिया मतलब जो हमारी सेल की मेमोरी है वी कॉल इट मसल मेमोरी मेमोरी राइट सो हमारी मसल्स में भी होती है जो चीज हम बार बार सोचते हैं और बोलते हैं वो हमारी मेमोरी में चला जाता है तो हमारी बहुत ही मतलब हार्ड ड्राइव है बॉडी के अंदर जिसकी पता नहीं कितनी टेट्रा बाइट उसकी इन्फॉर्मेशन है जो वो स्टोर करती है जो आप रिपीटेडली बोलते रहते हो और सोचते रहते हो है ना, so, आज हम उसमें जो मेशन स्टोर है वो चेंज करेंगे और उसमें बहुत ही ब्यूटी होती है कि ऐसा होता है कि किसी टेराबाइट में आप अगर मूवी डाउनलोड कर रहे हो तो उसको उसमें खाली रहना बहुत जरूरी है उसको तभी आपकी मूवी डाउनलोड होगी बट जो हमारी बॉडी वाली जो टेराबाइट है उसमें अः ऐसा होता है कि जो पुरानी मेमोरी है वो अपने आप डिलीट हो जाएगी जैसे आप नई नई मेमोरी उसमें मतलब नई चीज डालोगे नई इंफॉर्मेशन तो नई मूवीज डाउनलोड करोगे तो अपने आप पुरानी वो डिलीट हो जाती है चाहे उसमें स्पेस हो होगी नहीं स्पेस तो उसमें इतनी होती नहीं है क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों की इंफॉर्मेशन है उसमें स्टोर्ड ओके बट इट टेक अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड की इतनी जन्मों की जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाए जैसे ही आप कॉन्स्टेंटली फीलिंग के साथ नई इन्फॉर्मेशन डालते हो तो फीलिंग विल डिसाइड दैट वाईफाई की स्पीड जिस स्पीड से आ, हमारे अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हार्ट में इंफॉर्मेशन जा रही है ठीक है तो उसी को हम आज स्ट्रेंथन कर रहे हैं और उसी पे वर्क कर रहे हैं हम so, सो इसीलिए लिखा हुआ है इसमें ना विच आई ऑलवेज फील इट एज एज मच यू कैन तो फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे हमको वर्क करना है बिकॉज जैसे जैसे हम फीलिंग जितना ज्यादा इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज्यादा बाहर वो चीजें आती जाएंगी जो हमको बहुत अच्छा फील कराएंगी ठीक है सो so, आज की प्रैक्टिस में हम इस पर वर्क करेंगे एंड वॉट वी नीड टू डू इज दैट सबसे पहले हम पहले अपनी हार्ट को रिदम में लेके आएंगे सो दैट मीन्स वी विल पुट आर राइट हैंड ऑन आर हार्ट ओके एंड विल जस्ट ब्रीद स्लोली दिमाग को थोड़ा सा खाली करके उस वक्त दिमाग में कुछ आने देंगे जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट इन ब्रीद आउट राइट हैंड हमारा हार्ट पे ही है ठीक है ब्रीद इन ब्रीद आउट करके और आप मन को अपने हार्ट के एरिया की तरफ लेके जाओ वेदर यू फोकसिंग ऑन द आउटसाइड और इन साइड डर अगर आप आपको हार्ट वैसा देखना है बहुत साइंस स्टूडेंट हो तो आपको पता है हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है रेड कलर का होता है और किस तरह से बीट करता है तो आप अंदर फोकस कर लो अगर आपको सिर्फ बाहर एरिया एरिया होता है हमारा चेस्ट में लिटिल टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड है ना वहां पे वो हमारा एरिया होता है तो हमारे दो लंग्स होते हैं एक राइट right लंग होता है लेफ्ट लंग होता है हमारा लेफ्ट लंग बहुत छोटू सा होता है राइट right लंग हमारा बहुत बड़ा होता है लेफ्ट लंग हमारा बहुत छोटा होता है बिकॉज लंग अपनी जगह देता है हार्ट को पोजिशन करने के लिए मतलब हार्ट तो जाएगा कहाँ अंदर कोई ऐसी कैविटी तो होती ही नहीं है है ना नो so, वो लेफ्ट लंग के जस्ट एट नीचे की साइड पे हार्ट होता है तो वो एरिया होता है हार्ट का तो राइट हैंड हमें अपने हार्ट एरिया पे रखना है और बस ब्रीद करना है ठीक है स्लोली ब्रीद करना है ब्रीद आउट ब्रीद इन ब्रीद आउट ब्रीध इन ब्रीद आउट और दिल से बोलो थैंक यू दैट्स सेट ठीक है और ये प्रैक्टिस अभी तो खाली है अभी तो हमने ड्रीमलेस भी नहीं उठाई है ये सिर्फ हार्ट को कोहेरेंट यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का ढक्कन खोलने के लिए है ये ठीक है सो ये थोड़ी देर करना पड़ेगा जब तक आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स्ड नहीं हो जाती है और उसके बाद हमको अपनी ड्रीम लिस्ट उठानी है पहला वाला डिजायर पढ़ना है जो भी आपका फर्स्ट डिजायर था एंड उस फीलिंग के साथ एज इफ़ वो ऑलरेडी हो चुका है पढ़ने के बाद राइट हैंड अभी भी हाथ वही है हार्ट पे और बोलना है थैंक यू उसके आगे, आगे आपको कुछ ऐड करना है तो कर दो थैंक यू यूनिवर्स फॉर सो ब्यूटिफुली आंसरिंग दिस प्रेयर ऑफ माइंड थैंक यू सो मच फिर आप सेकेंड वाले उस पर जाओ ठीक है एक एक के बाद आपको राइट हैंड हार्ट पे रख के फील करना है कि वो डिजायर पूरा हो गया अब आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हो उसके लिए तो पूरी टॉप टेन डिजायर लिस्ट पूरी करके उसके बाद आग बंद करके थैंक यू करके यू हैव टू एंड दिस प्रैक्टिस ये आज की प्रैक्टिस है और आंखें बंद रखनी है उससे फीलिंग बहुत बहुत पावरफुल हो जाती easier, इसमें लिखा हुआ है इट विल ओके इट इज जस्ट दैट सो रीच ईट डिजायर और बहुत फीलिंगली करना है अगेन ये निपटाने वाली प्रैक्टिस नहीं है बिकॉज हम लोग थोड़े से आ, बहुत मैकेनिकल टेक्निकल हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम यू नो मतलब प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं कि चलो ये निपट गई आज हो गई इट इज नॉट दैट इट इज ऑल अबाउटिंग और थोड़े शांत होने सीख जा, जाने चाहिए है ना जब कल मैच चल रहा था और ऐसी स्टेज आ रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि मुझे बहुत हंसी आ रही थी मैं किसी से भी बात कर रही थी तो यू नो लाइक इतने वर्क वर्कडअप इतने वर्क वर्कड मतलब इतने इमोशंस पॉजिटिवली नेगेटिव हम लोग इन्वेस्ट करते हैं अननेसेसरिली इज इट I mean, इतने इमोशंस इन्वेस्ट करने के लिए ठीक है इंडिया ने 99 नाइन बहुत बड़े बड़े काम किए हैं ठीक है अभी चंद्रयान भेजा वहां पे जाके चंद्रयान ने अपना टास्क अकम्पलिश कर लिया जिसके लिए वो गया था ठीक है बहुत सारी ऐसी चीजें करी है बहुत सारे तरह के मैचेस होते हैं और एक ही उन ग्यारह लोगों पे टिका के अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना और अच्छी चीजें बोलना बुरी चीजें बोलना मुझे स्ट्रेस हो रहा है मुझे ये मेरे इतने सारे ग्रुप्स हैं पे कोई कोई मैसेज अजीब अजीब से मीम्स आ रहे थे कुछ आ रहे थे कि ये हो रहा है वो हो रहा है फला हो रहा है दैट इतनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट इन टू सम विच इज अ स्पोर्ट सो पहली चीज तो हमें हम वो स्पोर्ट्समैनशिप है ही नहीं

तो बहुत थोड़ा सा चिल होना बहुत जरूरी इतना कि दिल की धड़कन और किसी मतलब लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है पता नहीं ये मतलब ये लाइफ एंड डेथ कैसे हो गया इट्स ऑल राइट एवरीथिंग यू हैव समटाइम्स यू विन समटाइम्स यू लूज एंड इट इज अबाउट दी अदर टिम इवन इन लाइफ इज इंट इट समी लूज सो इट्स ओके मतलब जैसे आप गिरते हो आपको उठना आना चाहिए अब इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है क्या हम में मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी होनी कितनी जरूरी है लोगों को रातों को नींद नहीं आ रही है ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है मैं तो अपना सो गई थी नौ बजे जब मुझे लगा कि यू नो लाइक आई वुड हैव वॉच दिस दनी अगर इंडिया जीतती बट देन देन इट वाज आई मीन लाइक एंड जीत थी बट देखी टू नाइन आई वेंट एंड एन सो इट वाज वाज इट लाइक दैट इतना ज्यादा सोचना करना यू नो लाइक सारा काम धंधा छोड़ के ऐसे करना पता नहीं क्या हो रहा था कल तो मुझे यही लगा कि व्हाट्सएप ग्रुप -like, you know, like really we क्योंकि मैसेजेस थोड़े ज्यादा हो गए थे तो उसको फिल्टर कर रहे थे फिर वो प्रिया ने मैसेज डाला था है ना सो so, थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल होना हमको जरूरी है जब भी लाइफ में देखो वो तो चलो बाहर की बात थी जिंदगी में भी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पे आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे मतलब तो बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है ऑलवेज जस्ट डीप ब्रीथ सिट रिलैक्स बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन की बहुत ज्यादा एनवायरमेंट से आप प्रभावित नहीं हो रहे हो ठीक है बिकॉज उस 17 सेकेंड्स में हमारी पूरी मोमेंटम चेंज हो जाता है और हमारा फ्यूचर हमारे करंट मोमेंट पे डिपेंड करता है कर रहा है इस वक्त भी इस वक्त भी जो हम सोच रहे हैं वो हमारे नेक्स्ट मोमेंट को डिसाइड कर रहा है बिकॉज एवरी मोमेंट वी आर पेविंग द वे फॉर द नेक्स्ट मोमेंट उसी फ्रीक्वेंसी का होगा अगर अभी हम बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी में है तो हमारा नेक्स्ट मोमेंट भी उसी फ्रीक्वेंसी का होगा और अगर हमने तीन घंटा या दो घंटा या छह घंटा हाइपर स्ट्रेस में बिताए हैं तो हमारे आगे के दिन वैसे ही होंगे ठीक है तो इसलिए ये सोच के इट इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग एंड थिंकिंग अबाउट समथिंग जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है ठीक है इतने सारे लोगों की एनर्जी भी तो जा रही थी कि देखो कितने बेकार खेल रहे हैं देखो किताब एक कार खेल रहे हैं पीपल वर नॉट टॉकिंग अबाउट गुड वे नो बडी एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट कितना बेकार देखो ये मुश्किल ही लग रहा है ऐसा हो रहा है हमने ही तो मैनिफेस्ट किया है ना और ये हमने फर्स्ट हाफ में मैनीफेस्ट कर लिया था अपने थॉट्स के कारण दे वर नॉट टू मेनी पीपल टॉकिंग गुड और इन अ गुड जोन एनी बडी हु क्रिकेट मैच देवर नॉट टॉकिंग गुड दे वर नॉट थिंकिंग गुड सबका मैंने इतने मतलब करोड़ों की पॉपुलेशन का मैनिफेस्टेशन था कल का मैच ठीक है ये चीज हम रियलाइज नहीं करते जो सोच रहे हैं वो सही होगा जो सोच रहे हैं बार बार वो सही होगा कलेक्टिवली uh, बहुत ज्यादा कुछ सोच रहे हैं तो वो तो हंड्रेड एंड वन परसेंट सही होगा ठीक है सो दिस इज हाउ वी हैव टू गो अबाउट आवर लाइफ ऑल्सो सो कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू डिजायर ओके दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये ये चीज हमको याद रखनी है क्योंकि हमारे दिमाग में भी बहुत उल्टी पुल्टी चीजें आती रहती है ना कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है इधर उधर भागता रहता है मंकी माइंड ठीक है तो उस मंकी को थोड़ा सा हार्नेस करके कंट्रोल में लाके अपनी गाड़ी का स्टेरिंग व्हील अपने हाथ में रखा करो बहुत जरूरी है ठीक है उसको मत इधर उधर जाने दो डी रेल मत होने दो अपनी गाड़ी कभी गड्ढे में गिर रही है फिर उठा के लेके आ रहे हो फिर उसके बाद वो फिर साइड रेल में जा रही है फिर उठा के लेके आ रहे हो फिर कहीं ठुक रही है फिर उठा के लेके आ रहे हो फिर पीछे से कोई ठोक देता है फिर उस पर चलाते हो फिर तो दिस इज नॉट द वे टू लीड लाइफ थोड़ा सा बैलेंस थोड़ी सी मेच्योरिटी थोड़ा सा ट्रस्ट यूनिवर्स के ऊपर और थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी ये बहुत जरूरी है आजकल कंपनीज में भी आई क्यू की जगह ई क्यू के टेस्ट होते हैं इंटरव्यू के बाद मालूम है आपको हमारी कंपनी में भी अभी तक तो हो रहे थे तो आई क्यू टेस्ट करते हैं क्योंकि आई क्यू तो चलो मतलब जैसे जैसे स्किल्स हम बढ़ा सकते हैं लोगों की बट इमोशनल क्वेश्चन लोगों का होना इमोशनल इंटेलिजेंस होना ये बहुत जरूरी होता है वरना लाइफ बिकम सो मिजरेबल है ना ऑफिस ऑफिस डज नॉट वॉन्ट पीपल जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं मतलब कभी इमोशंस बहुत ऊपर जा रहे हैं कभी इमोशन बहुत और फिर ये कहना नो नो आई एम वेरी इमोशनल आई एम वेरी हैज इमोशंस ओके वेरी इमोशनल मींस योर इमोशनल स्टेबिलिटी इज लेस सो उस पे हमको वर्क करना चाहिए उस मेडिटेट करो उसे अपने आप आ जाएगी मेडिटेशन से इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है तो कमिंग बैक टू आज वाली प्रैक्टिस your blessings uh, सुबह सुबह तो without any distraction of all the things that we uh, you know we are very grateful for और फिर उसको री रीड करना और एक एक के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू loud बोलना ठीक है फिर आज एक जगह बैठो मेडिटेटिव पोज में फोकस योर माइंड एंड योर अटेंशन पूरा एरिया आंख बंद करके राइट हैंड को अपने हार्ट पे रख के ठीक है पूरे अटेंशन के साथ बस नॉर्मल करनी है और कुछ वैसा नहीं करना क्लोज योर आईज और दिल से ऐसे निकालो था क्यों ठीक है उसके बाद अपनी अब हार्ट माइंड कोहेरेंस में आ गया इसका मतलब है हार्ट बीट सेटल हो गई आपकी बॉडी रिसेप्टिव मोड में आ गई है डिजायर लिस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए अब अपनी टॉप टेन डिजायर लिस्ट लो और एक एक डिजायर पढ़ो और एक एक डिजायर पढ़ने के बाद क्लोज योर फिर से अटेंशन वहां पे लेके जाओ हार्ट के एरिया पे एंड ये सोचो कि वो लिस्ट वो चीज पूरी हो गई वैसे लिखा तो हमने ऐसे ही है ना एज एफ वो पूरा हो गया है लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दैट उस ऐसे हो गया है तो फिर वो पढ़ के की आप अपने ड्रीम हाउस में जा रहे हो ये सोच के आप थैंक यू दिल से बोलो ठीक है एंड उसके बाद रात को मतलब पूरे दस डिजायर के साथ ऐसे करना है एंड देन रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस थिंग थ्रू द डे ऑफ एवरी स्मॉल थिंग दैट पिक आउट द बेस्ट थिंग फ्रॉम दैर एंड से थैंक यू जो सबसे अच्छी लगी और वो करके सो जाओ दिस इज द प्रैक्टिस ठीक है सो दिस इज लाइक अ मेडिटेशन इसके अलावा आई होप मेडिटेशन हम रोज कर रहे हैं सो रीडिंग राइटिंग मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन ये चारों हमारे कोर ऑफ द प्रैक्टिस है ये दीज आर द फोर व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ लाइफ सो डोन्ट मिस अ डे मेडिटेशन का जहाँ तक सवाल है कभी कभी अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो इनस्टेड इट फॉर मिनट इज वॉट टोल्ड यूट इफ इन नॉट एबल टू डू फॉर तो आप सिर्फ पांच मिनट कर लो ठीक है डजेंट मैटर और धीरे धीरे मेडिटेशन की जब मास्टरी हो जाएगी ना तो आप देखना कि इमोशनली कितने स्ट्रोंग आप हो जाओगे ठीक है देर विल बी सम ऑफ अ करेज विच इज वेरी डिफरेंट दैट विल वेलप इनसाइड यू एंड यू नो क्लैरिटी बहुत ज्यादा आ जाती है उससे और देखना पट बट यूनिवर्स विल सपोर्ट यू इन आंसरिंग योर ड्रीम्स ऑल्सो बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड रहता है हमेशा सिर्फ पंद्रह मिनट में ये जादू होता है एंड दिस विल स्टार्टनिंग वेरी सोन अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ कर लोगे सो स्टार्ट डूइंग इट एज अशन की कोई बात नहीं टाइम नहीं मिलता कभी कभी पांच ही मिनट कर पाओगे कभी कभी तीन मिनट कर पाओगे तीन मिनट के लिए भी अपने ब्रेन को शटडाउन मोड पे डालना और सिर्फ ब्रीदिंग पे फोकस करना यह भी बहुत बड़ी चीज होती है सो डू इट फॉर थ्री मिनट्स डू इट फॉर फाइव मिनट्स डू इट फॉर सेवन मिनट्स डू इट फॉर टेन मिनट्स डू इट फॉर फिफ्टीन मिनट फिफ्टीन इज द कट ऑफ

एक बार सुबह कर लो एक बार शाम को कर लो ऐसे बट डोंट यू डोंट नीड टू फिर वो माइंड डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है सो दैट इज हाउ एंड रीडिंग एंड राइटिंग राइटिंग तो हम अपने गोल्स अपने एफर्मेशन इनके बारे में हम करते रहते हैं रीडिंग रीडिंग कुड बी योर गोल्स रीडिंग कुड बी सम गुड बुक्स रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट एंड अ प्रिंट रीड आप प्रिंट रीड करके देखो उसकी वजह से भी आपकी लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा है ना ऑफ कोर्स डिजिटल रीडिंग कई बार अकेली होती है बट इट इज सेड एंड रिसर्च दैट डिजिटल रीड जो होती है जो हम स्क्रीन से पढ़ते हैं और एक एक जो प्रिंट से पढ़ते हैं उन दोनों में रिटेनिंग वैल्यू अलग अलग होती है रिटेन मतलब आपका आपकी आपका माइंड रिटेन करता है वो वाली नॉलेज जो आप प्रिंट से पढ़ते हो ठीक है सो नेवर गिव अप दैट हैबिट ऑफ रीडिंग द प्रिंट्स सो ट्राई एंड रीड प्रिंट्स मोर और करो मतलब जैसे हम लोगों ने अभी पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड और ये सारी किताबें तो पढ़ ली है ऑलरेडी लेकिन आप जितनी बार भी पढ़ोगे ना आपका पर्सपेक्टिव अलग होगा बिकॉज आपके माइंड में जो एक्सपेंशन हुई है पिछले दो तीन चार महीने में जब तक हमने लास्ट आई थिंक पावर पावरफुल सबकॉन्शियस माइंड हमने अप्रैल में शुरू की थी अप्रैल अप्रैल मार्च में ये ट्वेंटी तो अभी तो ये साल खत्म होने आ रहा है ठीक है और इन सारे महीनों में हमारी बहुत ज्यादा डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है uh, हमारा माइंड ओपन हुआ है हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है यू नो एंड वेल हमारे इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन में भी फर्क पड़ा है अंडरस्टैंडिंग हमारी अलग है तो उस हिसाब से Uh, अब जब हम पढ़ेंगे कोई सी भी किताब अगर दोबारा भी पढ़ रहे हो तो उसकी समझ आपको अलग तरीके से आएगी है ना सो so, इसलिए सो इमेजिनेशन read. so, ये चारों चीजें साथ साथ करते रहो बहुत जरूरी है इन प्रैक्टिस के साथ उससे हमारी एक नई दुनिया ही क्रिएट हो जाएगी जो बहुत ही सुंदर दुनिया होगी और उससे ये जो रेस चैट क्लटर, मैड हाउस की तरह हम घूमते रहते हैं अपनी जिंदगी में कभी कभी टू मेनी थिंग्स टू डू टू मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट समझ में नहीं आता नॉट दैट लाइक इट्स नॉट ऑलवेज आउटसाइड वॉट आई आई डोंट मीन दैट बाहर बहुत क्राउडेड है और ऐसे वॉट आई मीन हमारे अपनी जिंदगी की दुनिया में अपने दिमाग में अपने दिमाग में हमारा बहुत सारा कुछ चल रहा होता है इतनी नॉइज इतना क्लटर यू नो पता नहीं कहाँ कहाँ पुरानी इंफॉर्मेशन होती है क्या चल रहा होता है हर चीज का पर्सपेक्टिव अलग होता है कोई कुछ बता रहा है कभी कुछ हो रहा है तो उन सबको को ईजी शांत करने के लिए यू you नो know, ये रीडिंग राइटिंग मेडिटेशन एंड विजुअलाइजेशन बहुत जरूरी है उससे हमारा फोकस बना रहेगा उससे हमारी ग्रोथ हमेशा सही डायरेक्शन में होगी

अच्छा अनदर थिंग बिटवीन टू टू आई दैट कल हमने उसको ओनली एडमिन ग्रुप में कंडेंस uh, कर दिया है ग्रुप uh, में बिकॉज कॉन्स्टेंटली मैंने उस दिन बताया था कि विशेष ग्रुप में मत भेजना ठीक है हम सबका बहुत सुंदर हार्ट है मजा आता है एक फैमिली की तरह है हम लोग कि एक दूसरे को बताएं बट You know, so कभी -कभी वो दो तीन बार बहुत जरूरी होता है कि सेशन में हमने क्या पढ़ा तभी वो हमारे दिमाग में आएंगी कभी भी एक बार रीड करने से चीजें बहुत अच्छे अच्छे से समझ में नहीं आती है इज इन जब हमारा कभी एग्जाम होता था स्कूल में चाहे हमने कितने भी क्लास टेस्ट दिए हो फाइनल एग्जाम के पहले हमको दोबारा पढ़ना होता था उसके बाद हमको दोबारा से रिविजन करना होता था और हम बोलते थे ना बस एक बार मैं रिवाइज कर लू उससे अच्छे समझ में आ जाएगा तो इस तरह से ये लाइफ लेसन है ठीक है इनको रिविजन करना आ, कभी कभी हम किसी के एक्सपीरियंसेस डालते हैं इंस्टाग्राम रील के थ्रू और ये जो मैंने आपको कल बताया था कि मैंने वो डाला था फुटबॉलर का जो कोर्स रीना ने दोबारा से डाला था कल बट उन्होंने कितनी इंपॉर्टेंट बातें कही थी कि दिस ये मेरी स्ट्रेटजी होती है दिस इज हाउ आई विजुअलाइज एवरी डे आई सेट माई गोल देन आई डू दिस ठीक है बट पीपल वर गोइंग हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी बर्थडेपीवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरीप्पी बर्थडेपीटा नो द पर्सन ठीक है वो ब्लेसिंग बहुत स्ट्रॉन्गली पहुंचेगी जिस भी पर्सन का बर्थडे है उसकी देखो आप फोटो रखो अगर उसकी डीपी पे अगर मतलब बहुत ज्यादा है तो आप वैसे विश कर दो अगर आपको वैसे भी विश करना है पर्सनली पर्सनली विश कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सो दैट पर्सन विल फील हो सकता है वो ग्रुप में तो इग्नोर कर दे बट पर्सनल उस पर चैट पे अगर मैसेज आएगा तो वो वैसे भी इग्नोर नहीं करेगा ना वो जरूर से पढ़ेगा तो वो मैं मैंने लगातार सेशन में बोला फिर मैंने टाइप किया कि प्लीज इसमें मतलब वो ग्रुप का इंटेंट चला जाएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चली जाती है तो ग्रुप में मत करो ठीक है लेकिन हम पढ़ते भी नहीं है इसका ये मतलब ही है कि न तो हमने सुना सेशन में आपने मुझे बोलते हुए भी नहीं सुना है ना तभी फिर उसमें डाल दिया ग्रुप में फिर मैंने ग्रुप में लंबा सा मैसेज बनाया तो इसका मतलब आप मेरा मैसेज भी नहीं पढ़ते हो मतलब वो इतना वर्थलेस हो जाता है नॉइस में ठीक है तो वो भी नहीं पढ़ा फिर वो डाला फिर कॉन्स्टेंटली कुछ न कुछ ने कुछ न कुछ ने कुछ न कुछ, कुछ, कुछ होता रहता है और जो सारी वो पी डी एफ है वो ऊपर चले जाते हैं किताबों के और यू नो लाइक सो इस तरह से ग्रुप का इंटेंटी वो हो रहा है ठीक है अफकोर्स देर आर सनसेट्स एंड सनराइज हो रहे हैं उनकी प्लीज फोटो आप किसी भी एडमिन को भेज दो हम जरूर पोस्ट करेंगे ठीक ठीक है है एनी एनी एडमिन विल विल डू डू इट इट ऑफ अस सो उसमें आ जाएगा और हम बता देंगे दैट सो वेन सो पर्सन हैज सेंड दिस पिक्चर एंड इट्स अ रियल पिक्चर बिकॉज वो मीनिंगफुल अगर हम डालेंगे तो ऑब्वियसली ना एंड इट्स सो ब्यूटिफुल टू सी सनसेट एंड अ सनराइज एंड everything, I mean every full moon I look forward to वर्षा's uh, you know like the full moon picture that she posts which are always so beautiful so all that continues है ना किसी का कोई experience है आप जरूर अच्छे से type करना कि मेरा ये experience है और हम उसको post करेंगे that this is so and so's experience otherwise please आप YouTube की chat को use करो उसमें आपकी reachability मतलब उसमें हजारों लोग देखते हैं उसकी रीचेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी अगर आप शॉर्ट में लिख दोगे दैट आई डिड दी सेशन दीस प्रैक्टिसेस एंड यू नो दिस इज हाउ माय लाइफ हैज चेंज माय मनी हैज इंक्रीज आई आई हैड सम हेल्थ चैलेंज माय हेल्थ इज सो मच बेटर यू नो सो सो मेनी पीपल्स लाइफ एक लाइक like का बटन तो दबाया नहीं जाता है YouTube चैनल पे वो भी अपने मैजिक सन मिरिकल्स का ठीक है सो

लेटस्ट कीप इट सिंपल लेटस कीप इट ईजी एवरी मॉर्निंग जो शेयर करना है आप ग्रुप में प्लीज करो खुल के करो जूम कॉल पे करो सब रिकॉर्ड हो रहा है और ये सारा यूट्यूब पे जा रहा है, बहुत अच्छी बात है. कभी कभी ऐसी पर्सनल होती है जो शायद आप पूरी दुनिया को नहीं बता पाते हो तो आप ऑफकोर्स हमको पहले ही बता सकते हो आई वॉन्ट टू शेयर बट नॉट ऑन द यूट्यूब ओके बट यूट्यूब पे बताने का तरीका होता है कि आप उसको आप Uh, मतलब पूरी खुल के वैसे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है जैसे यू कैन जस्ट से दैट आई हैड अ रिलेशनशिप ब्रेक डाउन एंड देन यू नो नाउ माई रिलेशनशिप इज टोटली टर्न ऑपोजिट टू वॉट इट वॉज एंड इट्स सो ब्यूटिफुल एंड यू नो स्पेशल स्पेश तरह से हम बता सकते हैं बिकॉज एक्सपीरियंस शेयर करने की वजह से बहुत सारे लोगों की विक्ट्रीज आई है यू you नो know, उनको एक्जैक्टली exactly डायरेक्शन पता लगा है उनको लाइफ एंड कीपरियस शॉर्ट एंड क्रिस्प आई डोंट हैव दैट बैंडविथ ऑफ कीपिंग द सेशन ऑन टिल सेवन थर्टी सेवन फोर्टी ठीक है न मेरी वैसी कभी लाइफ थी और वैसी मैं करना भी नहीं चाहती फॉर मी टाइम इज वेरी प्रेसियस सो यस वील कंटिन्यू रीडिंग द बुक हीरो बाय रोंडाबर्न अगेन And Neetu from Singapore will be reading for us. So, yes, uh, Neetu. Uh, good morning, everyone. Uh, moving on to this book. Uh, Neetu, your voice is uh, slightly uh, low and echoing. So, either you come near the device or if you're using AirPods or something, you can take them off and read organically. No, I'm not. Actually, I'm connected from my uh, laptop with a speaker. Is it better now? Take it better, yeah all right sorry um, laird hamilton you need to believe that all things are possible that you can do it to believe in yourself is perhaps the most powerful hero ability you have available to you your belief will carry you through every difficult situation or any challenging circumstances and enable you to ultimately realize your dream in his first season as head coach at the University of Southern California, Pete Carroll mentored a talented young quarterback whose great potential threatened to go unfulfilled. The problem was that this player was prone to negative self talk, which at times affected his ability to perform. Once Pete discovered his quarterback, anticipated once he discovered his quarterback anticipated making mistakes he worked with his staff to eliminate the players negative self-talk thanks to their timely intervention the quarterback came to believe in himself so much so that two seasons later he was awarded the heisman trophy as the best player in all college football he went on to star in the nfl and won सो इस ये नया चैप्टर ही है इसका पार्ट टू ऑफ द बुक हम कर रहे हैं और इसका हेड टॉपिक ही था बिलीफ विश्वास फेथ दैट इज वॉट इट मीन्स आप विश्वास रखो कि जो आपका कॉन्स्टेंट सेल्फ टॉक है वो जरूर पूरा होगा एंड दैट बिलीव दैट यू कैन अचीव एनी थिंग दैट यू डिजायर फॉर श्योर ठीक है एंड यू आर डूइंग इट वन डे यू नो लाइक दिस ऑलवेज शुड बी दे सो इसमें एग्जाम्पल um, लिखा हुआ है दैट यू नो लाइक इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ पीट कैरोल हु उनका ना मतलब वो uh, अपने आप के लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक था जिसको हम ऑटो सजेशन के फॉर्म में हमने पढ़ा है जब हम uh, uh, बुक पढ़ रहे थे पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड डॉक्टर जोसेफ मर्फ्री की तो वो बोल रहे थे कि हमारे जो ऑटो होते हैं, वो कई बार एक इंटरनल चाटा की तरह चल रहे होते हैं सबकॉन्शियसली हमको पता नहीं होता कि हमारा बिलीफ या हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक है जैसे नहीं मैं नहीं कर सकती नहीं उनका बिहेवियर ऐसा ही है यू नो सो मतलब था दवा तो कभी भी कम नहीं होती है ऐसा ऐसा ही है डॉक्टर ने पहले भी मुझे ऐसे ही बोला था की थायरॉयड एक बार हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग आपको दवा लेनी पड़ती है और रोज सुबह सुबह लेनी ही पड़ेगी उसको या बीपी तो कभी ठीक नहीं होता इनफैक्ट एक दिन बीपी की दवा नहीं लेते हैं तो उस दिन बीपी बढ़ जाता है ये तो मैं बहुत ही जेनेरिक वाले बता रही हूँ जो हम बिलीफ होल्ड करते हैं सो देर आर नो रीजन एंड लॉजिक्स ओके इन लाइफ जनरली जो होता है हमारे साथ ना वो सारे हमारे सीमेंटेड बिलीफ है जो अंदर डिपॉजिटेड है और सीमेंट हो गए और उसके उसके ऊपर लेयर डलती जा रही है उसी उसी नेगेटिव चीज की नहीं हो सकता मे तबियत ठीक नहीं हो सकती नहीं हो सकती तो इसमें इनका ये एग्जाम्पल बताया हुआ है इन्होंने बताया नहीं कि क्या उस प्लेयर की नेगेटिव टॉक थी लेकिन ये था कि वो कितना भी कोशिश करता था तो वो हम कभी विन नहीं कर पा रहा था है ना और हर बार उससे छोटी चोड़ छोटी गलतियां हो रही थी तो हर बार ही सोचता फिर से गलती हो गई फिर से ये हो गया फिर उसके कोच ने उसको आइडेंटिफाई किया कि उसकी नेगेटिव सेल्फ टॉक थी वो ऑटो सजेशन जो अपने बारे में वो लगातार बोलता था दैट वॉज नेगेटिव यू नो सो जिसके कारण मतलब इवन इफ इट इज द एफ वर्ड पीपल यूज सो मच और एनी थिंग यू नो लाइक स्मॉलेस्ट टू बिगिन विद दैट दैट ओ शेट एंड थिंग्स लाइक दैट अगर ये भी ये भी लगातार नेगेटिव टॉक बिकॉज वर्ड्स में फ्रीक्वेंसी होती है है ना और वो फ्रीक्वे एक किसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं वो वर्ड्स तो अगर आप ओ शिट ओ शिट ओ शिट भी बोल रहे हो ना शिट इज नॉट अ गुड वर्ड ओके देन द लाइफ बिकम्स लाइक दैट बिकॉज उसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है और वो वर्ड तभी यूज होता है जब कोई गलती हम करते हैं तो उसके कोच ने नेगेटिव सेल्फ टॉक जो उनका था उसपे वर्क किया और फाइनली उनको मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर का अवार्ड मिला इन द एन एफ एल प्रोबोल एंड हिज नेम इज कार्सन पालम तो हमको भी अपना देखना है कि हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं That I'm worthy? Do we think that are we worthy to receive abundance in this universe? What's our self worth? Do we think that we deserve it? You deserve the best in the world? Anna? Right? Or do you love yourself? Look into the mirror and say, I'm worthy and I really love myself and I I deserve everything best in my life. I'm the best and I'm getting and better, better getting better and better every day. I'm beautiful. I'm super successful. I'm God's best child. I'm an amazing creator. I can create anything that I want to. I have the power. Okay. I'm capable. I'm so classy. I love myself. I look so radiant. My health is amazing. I'm getting better and better. I can easily lose my body fat. And I am at my ideal body weight. I'm fit, firm, and so toned. My skin is so young, clean, and clear, makes me look so beautiful. My hair is healthy, soft, and shiny. I can just wash and wear and leave them like that. They make me look so good. You know, my heart functions so strong and so well. You know, I love my internal organs, they are always dancing with joy. I am happy. I am emotionally so stable. I love myself for it. Okay, I'm capable of making such amazing friends. I am so, you know, getting wealthier and wealthier every day. I mean, I'm loving it. I'm loving the journey of life. Life is so beautiful, so easy, so effortless. You know, my life is a celebration. Every day looks like a celebration. This is what has to be our internal chat with ourselves all the time. Okay, the moment you drift towards or you fall back on the negative side, bring yourself back. Okay, slowly, slowly, you will see that bringing yourself back becomes effortless because it starts becoming your being after some time. You become that person that is not falling, it's derailing sideways, and you're able to bring yourself back. And then you see that whatever is your self talk becomes your reality. That's how it works. So, yeah, let's read about Pete Carroll. Pete Carroll. Throughout my coaching life, I have helped people understand the power of their thoughts and personal beliefs. A person's self-talk is the clearest indicator of one's belief in themselves. I constantly preach the value and significance of positive self-talk as a key element to manifesting your dreams. आई होप हमको समझ आ गया और जो ये बोल रहे हैं दैट वो कह रहे हैं कि मैं कॉन्स्टेंटली लोगों को प्रीच करता हूँ सिखाता हूँ वैल्यू और सिग्निफिकेंस जो आपकी सेल्फ टॉक है अपने आप से ठीक है एक होता है जज uh, करते हैं ना दैट uh, हम जज करते हैं लोगों को कि वो पर्सन नहीं 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 वो पर्सन तो बहुत आराम से इज अ वेरी बैड पे मास्टर ऐसे ऐसे बोलते हैं कई बार दैट पर्सन डजन पे वेरी इजिली और uh, हमारी इंडस्ट्री में यही रूल होता है कि हम फिफ्टी परसेंट पैसे पहले लेते हैं और फिफ्टी परसेंट बाद में लेते हैं ऐसे करता है नो देर आर नो रूल्स इन लाइफ आई नो पीपल हु टेक हंड्रेड परसेंट मनी इन एडवांस क्योंकि उन्होंने अपने आप को वह ही समझाए और फिर वो डिलीवर करते हैं काम ठीक है सो देर आर नो रूल्स ये सब हमारी बिलीव है और ये बिलीव स्ट्रांग होती जाती है क्योंकि हम इन पे वर्क ही नहीं करते हमें पता ही नहीं है कि क्रिएटरशिप में कैसे रहना है है ना सो so, इसीलिए पीट कैरल बोलते हैं दैट आई कॉन्स्टेंटली प्रीच द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक अ की एजिमेंट टू मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स इट इज सिंपल आप अपनी ड्रीम्स हो जो आपका एंड गोल है जो आपने सोचा है इट्स ऑलरेडी दैर इट इज जस्ट दैट दैट डोर नीड्स टू ओपन बिफोर यू सी इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज है ना तो आज हमने ट्वेंटी चैप्टर किया ट्वेंटी टू में बिफोर योर वेरी आईज है उसमें हम फिर से अपनी ड्रीम लिस्ट पे काम करेंगे सो दैट इज वॉट सो कीप थिंकिंग अबाउट इट इन अ गुड वे और अपनी सेल्फ टॉप ऑटो सजेशंस को अपने कंट्रोल में रखो एंड ह्यूमन ब्रेन का यही तो ब्यूटी है दैट इट इज वेरी वेरी मोल्डेबल एंड वेरी ट्रेनेबल और बहुत जल्दी सीखता है लेकिन सिखाना तो हमको ही पड़ेगा ना अपने माइंड को हाँ जी Anastasia Sor, the message I want to send to people is: If I came here without speaking the language, with not one penny in my pocket, and I was able to do this, anybody could do it. You need just to believe in yourself. That's it. But what if you don't believe in yourself? The only reason you don't believe in yourself is because you have inadvertently thought your way into not believing in yourself thinking a whole bunch of thoughts and accepting that they're true forms, beliefs. you were born with belief in yourself. and so if you don't believe in yourself today, it just means that in your life you have accepted thoughts about yourself that other people put upon you and you believe them to be true. and the only way you have maintained that lack of belief has been through your own continuing thoughts about yourself.

कि दिस इज हाउ माई मदर इन लॉ इज ये उनका बिहेवियर है ये नेचर है और वो ऐसे बिहेव करती है और वो मुझे पसंद नहीं करती हैं अब बार 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 वही चीज चल रही है दिमाग में एक्शन रिप्ले एक्शन रिप्ले एक्शन रिप्ले एक्शन रिप्ले अब वो चीज आउटवर्ड रियालिटी में नजर आएगी बिकॉज दैट इज द सॉन्ग वी आर सिंगिंग थ्रू आउट सो चेंज योर सॉन्ग ओके okay? वो सीडी निकाल के उसके उसको तोड़ के हम एनएलपी प्रैक्टिस में हमको ऐसे सिखाते हैं कि अगर कोई सीडी पे बार बार कोई चीज चल रही है जो आप नहीं देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो आप अपनी आंख बंद करके ये सोचो कि वो वाली जो सीडी प्लेयर है वो सीडी निकालो आप उसको टुकड़े टुकड़े करो ठीक है और उसको एक पैकेट में डाल के ट्रैशबिन में डाल के कहीं पब्लिक ट्रैशबिन में फेंक के आ जाओ ठीक है और आप नया सॉन्ग अपना प्ले करो which is that i have an amazing relationship with my mother in law and we are happily going shopping together she is giving me some nice gifts that i really love and i am also giving a lot of love and respect and our relationship is based on a lot of mutual understanding and mutual respect ओके सो नाउ दैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिकम्स योर कीवर्ड इन डिफाइनिंग योर रिलेशनशिप विथ योर मदर इन लॉ ओके एंड स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट सीइंग द चेंजेस, ओके सो अपने आप से क्योंकि मे बी हमने कभी समझा ही नहीं है हमने भी तो हो सकता है उनको अपनी मदर की तरह नहीं ट्रीट किया होगा ना तो हमारी भी हो सकता है कहीं पर गलती हो या फिर जो भी है उनका बिहेवियर अगर वो वैसे किसी तरह बिहेव करी तो हो सकता है आपसे हो रही हो डोरियो हो रही हो कि आपने अननेसेसरली उनके डोमेन में भी स्टेप करने की कोशिश की हो पता नहीं क्या रीजन होता है या हो सकता है उनके दिमाग में कुछ अनहैपीनेस है बट उनको फिर नाउ योर देर सो वो इनसेक्योरिटी और शायद फ्यूअल हो गई या जो भी है वट एवर कुड बी बट देर आर नो रीजन एंड लॉजिक्स इन दिस वर्ल्ड ओके सो वी कैन रिपेयर एनी थिंग नो मैटर हाउ ब्रोकन इट इज दैट इज वॉट सो एवरीथिंग और उसकी वजह से अब ये रिलेशनशिप्स और इसमें क्या होता है उस क्रैक की वजह से ना आपका पैसा भी नहीं आ रहा होता है आपकी हेल्थ भी हंड्रेड परसेंट आप इंजॉय नहीं कर रहे होते हो प्लस कोई ऐसी प्रेयर होती है मतलब मे बी आपके बिजनेस में या वर्क प्लेस में भी कहीं पर प्रॉब्लम आ रही होती है और बाकी रिलेशनशिप भी उसी से टेंट हो रहे होते हैं तो आप इस चीज को फिक्स कर दो एंड एवरीथिंग विल गेट फिक्सड इन योर लाइफ इट इज एज सिंपल एज दैट है ना सो लाइफ इज अ अफुल जर्नी एम्ब्रेस पीपल हु ऑल अद अपने अपने अगर अगर आप किसी को एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप पावर हो अभी भी ठीक है तो इसलिए एम्ब्रेस एवरी वन कम्स इन टू द कम्पस इन टू द रडर ऑफ योर लाइफ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट

that is your auto-suggestion joa carrio hanji mastin kip the number one hindrance to success is people who believe it's not possible for them if you believe something's not possible then you're right and the whole universe will be against you not because the universe is a bad place but because that's how you're interacting with it. And all you all look for is proof of your low self worth and proof of why it's not possible. The way to change a lack of belief is very simple begin thinking the opposite thoughts to what you've been thinking about yourself, that you can do it, and that you have everything within you to do it. Remind yourself that you have incredibly powerful ab abilities, and that you will know exactly how to use them when the time comes. Remind yourself that all you need to do is to take one step at a time. Yeah, thank you so much, Neetu. We'll be able to read only so much today. Thank you. So, okay, going back to Mastin Kip, what he has to say. सो ही सेज दैट लोगों को लगता है कि वो ये अचीव नहीं कर पाएंगे और जो भी उनकी अंदर की लिमिटेशन है ठीक है वो सारी फ्यूअल हो जाती है जैसे आप सोचते हो कि नहीं मैं इतना इतना मुझसे नहीं हो पाएगा मैं इतना नहीं कर सकती मैं डाइट फॉलो नहीं कर सकती आ मैं तो बिना ब्रेकफेस्ट के रह नहीं सकती मुझे ब्रेकफेस्ट चाहिए ही होता है Uh, अगर हम किसी को इंटरमीडियंट फास्टिंग करने को सपोज बोलते हैं तो so ये सब मेरे आसपास एग्जांपल्स रहते हैं सपोज समबडी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम सम इशू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम है ना कोई मेडिकल इशू तो मैं उसको बोलती हूँ आप आई एफ करो बिकॉज मे बी वो जब इंसुलिन डिप होता है ना इंटरमीडियन फास्टिंग के दौरान जो फास्टिंग पीरियड होता है उसमें जब इंसुलिन डिप होता है तो अः uh, उस वक्त बहुत सारे अच्छी चीजें बॉडी में एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हॉर्मोन्स फिक्स होने लग जाते है ब्लड प्रेशर फिक्स होने लग जाता है किडनी रिवाइव होने लग जाती है बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होने लग जाता है फैट लॉस बहुत जोर से होता है जब तक इंसुलिन ड्रॉप नहीं होती तब तक लिपोलिसिस नहीं होती है मतलब फैट ब्रेक डाउन नहीं होता है बॉडी में तो कभी किसी किसी को बोलना पड़ता है कि आपको इतने मेडिकल इश्यूज है या आपका वेट लॉस नहीं हो रहा या आपको बहुत अच्छी टोन बॉडी चाहिए तो आप फास्टिंग करो नहीं मैं तो ब्रेकफास्ट के बिना रह नहीं सकती ठीक है वो दरवाजा यू ऐसे मुंह पे बंद कर दिया ये भी वर्कआउट नहीं करने की कोशिश करी कि ठीक है मैं ब्रेकफास्ट दस बजे कर लूंगी इंस्टेड ऑफ डूइंग इट एट एट थर्टी और इंस्टेड ऑफ टेन आई कैन डू माय ब्रेकफास्ट एट इलेवन ठीक है ये भी तो ऑप्शन है ना अब मैंने तो अगले को ये बोला नहीं है ना कि फास्टिंग कितनी देर की करनी है सोलह घंटे की है तो मैं तो खुद सोलह घंटे की फास्टिंग करती हूँ ठीक है तो मैं सिक्सटीन सबको नहीं बताती क्योंकि मुझे पता है लोगों की कैपेसिटी नहीं होती है सो आई जस्ट टेल एम घंटे की तो कर सकते हो ना चलो बारह नहीं तो तेरह घंटे की फास्टिंग से हम शुरू करते हैं तो तेरह घंटे की फास्टिंग कितनी वायबल है उसमें से भी रात में तो वैसे ही हमारी बारह घंटे की फास्टिंग एट टू एट तो हो ही जाती है ना सपोज एट पी डिनर किया है तो एट ए पे आप खा रहे हो तो बारह घंटे की तो आपकी नेचुरल फास्टिंग हो गई है और आपका वजन इतना ज्यादा आपको करना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा ना ऐसे थोड़ी है कि इतना सारा कार्बोहाइड्रेट खा खा के किसी का है ना तो वो वो चीज भी अगर बोलो तो वो एकदम दरवाजा बंद मतलब अगला स्टेटमेंट ही नहीं आता है कि आगे कैसे करना है नहीं मैं तो खाने तो आई एम अ फूडी आई एम अ फूडी हु इज नॉट अ फूडी इज द एनी वन इन द ग्रुप हु इज नॉट अ फूडी वी ऑल लव टू ईट गुड फूड राइट बट वी नो बैलेंस लाइफ इज अबाउट बैलेंस राइट सो इंसपायर्ड एक्शन लेने बहुत जरूरी होते हैं अगर ये डिसाइड किया है दैट ओके डेफिनेटली नाउ आई ट्राई एन बी फिट फॉर्म वेरी टोन बॉडी एंड आल इनक्रीज माई एनर्जी लेवल माई बॉडी टू बिकम मोर फ्लेक्सिबल सपोज ये वाले सारे गोल्स है अब इंस्पायर्ड एक्शन तो लेना पड़ेगा ना अगर कोई किसी को बोल रहा है कि आप करके देखो तेरह घंटे चौदह घंटे की जो भी फास्टिंग है चौदह घंटे होते ही कितने इट इज सो डुएबल ठीक है

मतलब समझ लेना या इतने मतलब इसी से मुझे लग रहा है इतने नोशन होते हैं ना लोगों नहीं नहीं मैं ऐसे करती हूँ ना तो ऐसे हो जाता है तो वो दरवाजा ही बंद हो जाता है अगर हम बोलते हैं कि ठीक है ट्राई टू तो हैव हाँ लाइक मिलेट्स मिलेट का कोई फॉर्म खाने की कोशिश नहीं मैं मैं नहीं कर सकती वो बहुत सूखा सूखा सा लगता है मुझसे मुझसे चबाया नहीं जाता ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं ये ले लो अच्छा इसमें ये वाली प्रॉब्लम है इसके साथ में ये नहीं ले सकती अच्छा ऐसे अच्छा दाल वाली वो तो मुझे पसंद नहीं है तो इतने रॉन्ग पीपल आर नॉट रेडी टू ओपन अप टू हैविंग डिफरेंट थिंग्स बिलीव लाइफ ठीक है इतने बंद दरवाजे होते हैं हर तरफ से कि उसमें ग्रोथ कैसे होगी है ना ग्रोथ नहीं हो पाती है ऐसे में बहुत सो वी हैव टू बी ओपन एंड थिंक दैट इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप आगे एक्सपैंड ही नहीं कर रहे हो लाइक like यूनिवर्स से जो इंटरेक्शन कर रहे हो वो लो सेल्फ वर्थ की नहीं होनी चाहिए कि मेरा यही दायरा है जी मैं इसके आगे तो स्टेप ही नहीं कर सकती ये मेरा कंफर्ट जोन है मैं ऐसे रहती हूँ ऐसे खाती हूँ ऐसे करती हूँ ये मेरे दोस्त हैं ये मेरी फैमिली है बस हो गया

ठीक है अब आप वेट करो कि बाल और रफ होंगे और ज्यादा झड़ते जाएंगे और ज्यादा यू नो लाइक हेयर की क्वालिटी होगी बिकॉज हमने बोला है वो ये हमारी सेल्फ टॉक है लोग लोगों को बहुत डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह से उनके बाल झड़ने की समस्या किसी कभी एडमायर कर मतलब आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट एप्रिशिएटेड एनिमल हेयर ना दैट योर हेयर इज सो ब्यूटिफुल और अभी तो आपने पहले देखे नहीं है मेरे इतने लंबे बाल थे तो आधे भी नहीं रह गए I said, hey, lo, ji Kar lo, kam, fir, ab. so this this is what you know like our our uh, this thing is. so dwelling in the past and just talking about things that you don't want, don't do it, okay. so change mm -hmm. the way to change a lack of belief is very simple. begin thinking the opposite thought of what you're thinking right now. So, अगर बालों का ये है तो अपने बालों को बोलो आई लव माई हेयर माई इज सुपर हेल्दी वेरी सिल्की शाइनी एंड सो ब्यूटिफुल मेक्स मी लुक सो गुड एनहैंसेज माई लुक आई कैन जस्ट वॉश एंड वेयर एंड लीव इट आई डोंट इवन नीड टू स्टाइल इट बिकॉज दे आर सो गॉजियस लुकिंग हेयर यू नो लाइक दैट वे दिस इज जस्ट एज एन एग्जाम्पल एंड अपने आप को याद दिलाते रहो कि आप में बहुत पावरफुल एबिलिटीज है अब भी इसी वक्त यूनिवर्स को बोलो यूनिवर्स प्लीज मैनिफेस्ट माय पावरफुल एबिलिटीज टू द फुलेस्ट बिकॉज आई वांट टू गिव हंड्रेड परसेंट टू माय जॉब एंड आई वांट टू बी अ क्रिएटिव पर्सन लाइक आई वांट टू क्रिएट न्यू डिफरेंट थिंग्स सो यूनिवर्स प्लीज मैनिफेस्ट माई हंड्रेड परसेंट पावर हंड्रेड परसेंट स्किल मेक मी सो केपेबल आई एम रेडी टू डू एनी थिंग फॉर इट है ना Is se, and you will know exactly how to use when the time comes. It says, remind yourself that all you need to do is to take one step at a time. So take that next one uh, big step and then keep going forward in life. This is what it is. So your subconscious mind. And all these 12 people talking about it will be even better.

Uh, अपने जो हमारे कुक है घर में जो खाना बनाती है उनको बोलो मेरी कुक बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती सपोज ठीक है ये हेट्रो सजेशन है किसी और के बारे में अपने बारे में ऑटो सजेशन होता है सो so, सजेशन है हमने जैसे ही बोला कि वो बहुत लेट आती है वो टाइम से खाना नहीं बनाती है और उसके खाने में स्वाद नहीं होता ऑटो हेट्रो सजेशन तो वो भी तथास्तु हो गया ठीक है तो इस तरह से दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स सो नाउ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट क्या शब्द हम बोलते हैं क्या सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं कैसे हम अपने आप को कंडक्ट करते हैं है ना हमेशा अपने आप को बोलो आई एम जीनियस विंटेलिजेंट एंड ऑलवेज फ्लोइंग विथ क्रिएटिव आइडियाज ओके और आई एम अ पावरफुल बींग आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई थॉट्स एंड इमोशंस ओके i am healthy fit young strong beautiful and always full of energy and stamina so these are our my income is constantly increasing and i am prospering by day and night every day in every way i am getting better and better i love myself and everyone loves me and I love everyone with ease. I embrace everyone just the way they are. I add a lot of value and contribute to my work or business job. So my business is thriving and flourishing so these are the kinds you know this is how we have to think all my relationships are amazing and they give me so much joy and i give them love in return so this is how we have to think i'm deeply appreciated acknowledged and well compensated for everything that i do है? तो क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा मैं तारीफ नहीं करता मैं तारीफ नहीं करता मैं तारीफ नहीं करता मैं कितना भी काम कर लू यू नो लाइक कोई रिकोगनाइज नहीं करता तो आप बोलो आई एम डीपली अप्रिशिएटेड एंड वेल अप्रिशिएम्पनसेटेड फॉर एवरी दैट इज हाउ इट इज बट अगर कोई भी चीज चाहिए तो वो पहले देनी पड़ती है है ना क्या आपने सबको एक्नोलेज किया फॉर एवरी स्मॉल लिटिल थिंग दैट दैट यू डू अगर आप एक दिन में पचास YouTube वीडियोस देखते हो तो उन पचासों को आप लाइक करो और अगर हो सकता है अगर उनमें से आपको जो अच्छी बात लगी हो उस पर आप कमेंट भी करो ठीक है हो सकता है कि वो डॉक्टर जो डिस्पेंसर है और वो खुद आपका कमेंट नहीं पढ़ेंगे हो सकता है उनकी टीम पढ़ेगी और हो सकता है उनकी टीम ना भी पढ़े ठीक है लेकिन यूनिवर्स के खाते में रजिस्टर हो गया आपका वो कॉमेंट क्योंकि आपको प्रसाद वहां से मिल रहा है है ना हाँ जी एनी वन वॉन्ट्स टू एड और शेयर एनी थिंग अच्छा आई कुंड सी एनी हैंड रेस्ट हियर पूनम कल रहा कल uh -huh. करने में हाँ हाँ पूनम ऑफ कोर्स यस कल से हाँ ओह आई एम सो सॉरी यस पूनम इफ यू देयर नॉट एट ऑल सबसे पहले मैं ना यहाँ पे नेचर में बैठी हूँ uh -huh. और ये मेरे घर से एक मिनट की दूरी पर है और इसको मैं भगवान कहती हूँ क्योंकि yeah. इसमें पांचों एलिमेंट्स से हैं सेकेंडली अभी हेलो हेलो कैन यू हियर मी या या नाउ नाउ वी कैन नो एक्चुअली संडे हैड गॉन एंड म्यूट्स आर जस्ट या एंड सेकेंडली दीप्ति जी आप मेरे से ना एज में छोटे हो पर मैं सच्ची में इस टाइम मेरा बस चले ना मैं यहाँ पे ना आपको पूरा दंडवत वो पूरा पर नाम करना चाहती हूँ और मैंने आपका नाम कुछ और रखा हुआ था उसमें वो भी मैं अब चेंज करके आपका नाम माय लिटिल देवी माँ रख रही हूँ आप में ना यू नो वो सुबह का ही मैं बताती हूं। मैंने कल की शेयरिंग में भी भी ये बताना था पर आज भी यही बता रही हूं कि सब और मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछना था ऑफ द यूट्यूब ऑफ करने के बाद पर मेरे आंसर्स आपने मेरे को दे दिए हैं इसमें सब कुछ पूरे उसके पॉइंट मेरे दिमाग में है घर जाके पेपर पे हो एंड वो करती भी हूँ पर बीच बीच में रहता है मेरी शेयरिंग आप के लिए तो है ही पर मेरी शेयरिंग जो लोग सुन रहे हैं शायद उनको किसी को इसमें से कुछ मिले व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योरसेल्फ आई हैव बीन डूइंग मेडिटेशन फॉर अ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पिछले दो सालों से मेरा कनेक्शन मेरे स्पिरिचुअल गुरु जो लाइव गुरु हैं राधा स्वामी बाबा जी हैं उनसे मेरा कनेक्शन दो सालों से बड़ा झगड़े वाला हो गया था तो मेरा अभी ये था कि जिनको मैं पूरी तरह से मानती थी दिल से मेरी पूरी सेल्स मानते थे यहाँ पे मैं 26 साल पहले आई हूँ सिडनी में सिर्फ उनकी टीचिंग से आई वाज सो स्ट्रांग रेज्ड टू किड्स डिड माय वर्क जो बहुत अच्छा था मीटिंग फाइनस्ट पीपल और मेरे हस्बैंड बहुत गलत काम काम में है ही इज अ प्रिजनर ही इज वर्किंग विद द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट पीपल हर रोज कोई गलत काट रहा है कोई नहीं डोंट एवरीथिंग इज नॉट ओके okay. तो बड़ा बड़ा अच्छा सा करा अभी दोबारा से दीप्ति जी से मिलने के बाद मेरा मेरे गुरु से कनेक्शन इतना दुबारा हुआ है। दुबारा इतना मेरा स्ट्रॉन्ग हुआ है कि मुझे सारा कुछ जो वापस था वो मुझे सब कुछ मिला एंड वो दीप्ति जी बिल्कुल ये टीचिंग नहीं मेरे को क्योंकि मैं इतना प्रे कर रही थी कि मुझे वापस सब कुछ चाहिए मेरा कनेक्शन मेरे मालिक के साथ भी और कोई आके मेरा हाथ पकड़ ले तो वो कहती हैं लाइफ कोचिज होती हैं लाइफ कोच कहाँ ढूंढू नहीं हो रहा था तो मेरा घर पे बैठ के आपने मेरे को वो दिया और मेरी शेयरिंग उनसे ही है कि व्हेन यू आर कनेक्टेड टू योर आपको यूनिवर्स पूरे आंसर देता है एंड यू कैन सी वो होता है छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स हो रहे हैं हर मेरिकल्स uh, हो रहे हैं हर रोज़ हो रहे हैं आई uh, मीन I mean, uh, uh, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई हूँ uh, तो आज आपने जो कहा है कनेक्ट टू योर सेल्फ तो वही है कि अगर आप अपने से कनेक्ट कर जाते हो आपके अंदर हम लोग भी उन पांच तत्वों से ही बने हुए हैं आपको अंदर से आवाज मिलती है और बाहर आपको वही आंसर एक मिनट में मिलता है आज की जो आपने सारी टीचिंग्स हैं वो उस पर हैं uh, अगेन एज आई एम डिस्ट्रैक्टेड बाय यू नो तो मैं मेकिंग इट सिंपल सबसे पहले जो आप आगे uh, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ पर नहीं कह पाऊंगी इमोशनल भी बहुत ज़्यादा नहीं होना है पर आपकी प्रैक्टिस का बताती हूँ दो तीन दिन पहले मैंने मैजिक स्टेप्स करे आई वॉज गोइंग टू द शॉप थोड़े सा लो, लो जोन में थी uh, डॉक्टर के पास जाना था हसबेंड को लेके वो अपना अंदर गए हैं और मैंने अपने मैजिक स्टेप्स करे हैं एक न्यू शॉप हेलो एक्चुअली समवन इज गोइंग अनम्यूट अगेन एंड अगेन शानू ओके तो आप yeah. आपने तो थोड़ी सी लोजोन में थी स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट थी क्या उसने कहना है क्या नहीं कहना अंदर नहीं गई हूँ बाहर एक नए एरिया में थी शॉपिंग सेंटर गई हूँ रास्ते में जाती बारी कार को वाव कर रही हूँ सबको थैंक यू थैंक यू कर रही हूँ और शॉपिंग सेंटर में भी वहाँ पे मैंने इंटेंशन डाली है सबको मैजिक डस्ट कर रही हूँ लिफ्ट हो गया था मूड भी काफी अच्छा हो गया था एंड यू वुडेंट बिलीव वहाँ पे एक दो बुटीक्स थे जहाँ पे प्योर कॉटन की ड्रेसेस मिल रही थी उसको छोड़ के एक और शॉप पे गई हूँ वहाँ वहाँ पे आई फाउंड द बेस्ट डील बेस्ट डील्स और वही है कि मैजिक स्टेप्स करो मैजिक डस्ट डालो एंड अपने एग्जाम्पल है तो एंड मनी भी मैंने कुछ सुना था कि जो मनी मैंने अपने पास रखी हुई थी जो काफी देर से मेरे पास थी वही मनी मैंने उनको दी आई है बेस्ट एक्सपीरियंस शूज बड़ी देर हो गए नहीं लिए थे वो मेरे को थ्री पेयर्स शूज मिले अगेन इसमें काफी कुछ कहने वाली वरी वाली से आप वापिस आते हो एंड आपके ड्रीम्स जो मेरा तो छोटा सा ड्रीम भी नहीं था मैंने तो अपनी इंटेंशन डाली ओके okay, वो वहां गए भगवान आप उनको देखना अच्छा सा वो हो और मैं जा रही हूँ अपना ये टाइम चिल करने के लिए तो दिस वॉज माई लिटिल शेयरिंग एक इसी के साथ कनेक्टिंग और, okay, और कुछ मैं यहाँ पे कर नहीं सकती हूँ वॉक वॉक भी कर ली पीछे अपने डॉग को भी लेके गई हुई थी वापस आई हूँ कार पिक कर रही है और आई वॉन्टेड टू गो फॉर लिटल मसाज मसाज वाली के पास गई वो कहती हमारे पास सभी वक्त नहीं है नेल वाले के पास गई वो कहती कि हमारे पास आधे घंटे में आना साथ में हेड वॉश करवाना था तो आई वेंट तो टू द नेक्स्ट हेड हेड वॉश के वहां पे अब वहाँ का वो एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उसने मेरा हेड वॉश किया हम लोग नॉर्मली जब नेल्स के लिए जाते हैं यहाँ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में तो उनके पास वहाँ पे चेयर होती है मसाज की पर वहां जहां मैं हेयर के लिए गई हैड द बेड

वट आई एम सेचुएशन में भी हो जिसमें भी हो किसी तरह भी हो कम आउट घर से निकलो जहाँ पांच एलिमेंट्स हमारे हैं जो एक पार्क है वहां पर चले जाओ वहाँ पे पांच मिनट अपने भगवान को कहो कि आप मेरी हेल्प करो और आप वापिस आओगे एंड थैंक यू सो मच दिप्ति मैम मैं आपका वर्ड में नहीं बता पाऊंगी की आपने आपने जो आप कर रही है मेरे लिए जो कर रहे हो हुआ है या जो आप सब लोगों के लिए कर रहे हो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच एंजॉय योर लाइफ एंड गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग दैट यू डिजायर लव यू दिस लव यू लव यू सो मच आरानो सिस्ट आपको बहुत प्यार करती है थैंक यू सो मच आई गॉट दिस इज

So, can I make a quick share and then go? I mean, today is a work yeah. day. Agar, no ma agar footsteps miss ho ho, so I'll have to repeat the last three days. In one day, I can mm -hmm. do those three days? Agar, kya, kal ki practice ho agar, Yeah, ma'am. Uh, sara morning, oh, oh, the are But mere by chance, footsteps, footsteps So, now i have to repeat the last three? No, no, no. Be in uh, sync with the chapters only because you've been doing these practices yeah. for a while now. Yeah, so yeah. gratitude yeah. is already okay. impressed in the subconscious mind. Yeah. By Rhonda Barnett, said this for the first time, or she said that because if you leave a break totally, then gratitude doesn't get imprinted in the subconscious mind. Okay. All right. That's it. Right. Okay. So thank hamara thank already same yeah, magic, thank does, you. magic wand, sam yeah, That is all hai. going on. Yeah, 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 yeah. Okay. Thank you. Yeah. All thank right. You, bye. Thank, bye. thank bye. you, Thanks thank 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 so guru. much. Thank you.